अलायंस क्लब इंटरनेशनल लखनऊ डिस्ट्रिक्ट 137 की डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अलाय प्रियंका दीक्षित की अध्यक्षता में अपने वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग को 51 इंच की एलईडी टीवी भेंट की गई। पूर्व में भी यह डिस्ट्रिक्ट एक प्राथमिक विद्यालय को एलईडी टीवी भेंट कर चुका है। इस अवसर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री राम प्रवेश यादव ने बताया कि आज जिस तेजी के साथ तकनीक शिक्षा में प्रवेश कर रही है, यह बहुत आवश्यक है कि प्रदेश सरकार के विद्यालय को भी इसको अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी के मद्देनज़र उन्होंने अलायंस क्लब्स इंटरनेशनल और साथ ही अन्य संस्थाओं से भी सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस संस्था ने उनकी बात को संज्ञान लेते हुए प्रदेश के एक कस्तूरबा विद्यालय के लिए भी तुरंत एलईडी स्क्रीन टीवी का इंतजाम किया ताकि ऑनलाइन पढ़ाने की प्रक्रिया को शुरू किया जा सके। इस अवसर पर बीएसए ऑफिस की टीम के साथ साथ अलाय संजीव भटनागर, अरविंद भटनागर और सिद्धांत श्रीवास्तव उपस्थित रहे। सर्वप्रथम मैं अलायंस क्लब का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हमारी पहल पे बच्चों के ऑनलाइन पठन पाठन के लिए एक स्मार्ट टीवी दी है और इससे डिजिटल जो एजुकेशन है उसको बढ़ावा मिलेगा। आपको सभी को सर्वेदित होगा कि पहले एक टाइम था कि सिर्फ कॉन्वेंट स्कूलों में, निजी स्कूलों में ही ऑनलाइन और स्मार्ट पैनल के माध्यम से पढ़ाई होती थी। कोविड के टाइम से एक ये पहल चली कि जो हमारे सरकारी गवर्नमेंट विद्यालय हैं वहाँ भी डिस्टेंस एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन ये सब स्टार्ट की जाए। उसके दोनों पहलू लाए गए कि सर्वप्रथम तो ये कहा गया कि सामुदायिक सहयोग के माध्यम से एनजीओस और सभी के सहयोग से विद्यालयों में स्मार्ट टीवी लगवाई जाए, पैनल लगवाए जाएँ, कंप्यूटर और प्रोजेक्टर वगैरह। और वर्तमान में सरकार स्वयं भी विभिन्न विद्यालयों में फंड करके स्मार्ट टीवी की स्थापना करा रही है और लखनऊ में ये बड़ा सराहनीय कार्य है कि बहुत सारे एनजीओस हमारे इस पहल पे अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं। उसी की कड़ी में हमने प्रियंका मैम से अनुरोध किया था कि हमारे विद्यालयों को कुछ स्मार्ट टीवी से सुसज्जित कराएं जिससे कि डिजिटल कंटेंट जो हमारे विभाग द्वारा डेवलप है और अन्य चैनलों पर उपलब्ध है, यूट्यूब पे है, दीक्षा पे है, तो वो बच्चों को मिल सके और ये एक रोचक और कारगर तरीका है बच्चों को पठन पाठन का। तो इन्होंने हमें सहमति दी थी कि हम शुरुआत एक स्मार्ट टीवी से कराएंगे और फिर आगे इस प्रथा को और ले जाएंगे। उसी के कड़ी में इस विद्यालय शुरुआत की गई है, आज एक टीवी दी गई है और इसके लिए हम इस संस्था के आभारी हैं तथा हम उम्मीद करते हैं कि आपके तरफ से हमें और भी सहयोग मिलेगा और हम अन्य संस्थाओं से, एनजीओ से और गणमान्य गणों से भी अनुरोध करेंगे कि हमारे विद्यालयों में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें जिससे कि इन बच्चों को भी अच्छी और डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से अच्छे कंटेंट मिल सके और वो आगे बढ़ सके। चैनल देशबद्ध न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।